बोलते भाई लोग, कैसे हो? तो स्ट्रीट बॉयज वाली जो वीडियो थी, क्या ही वीडियो थी भाई, क्या चली है। अच्छे सारे कमेंट थे, काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ था, लेकिन 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 लोग बोल रहे थे भाई स्ट्रीट बॉयज वाली जो वीडियो थी वो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं, मतलब कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मतलब आपने प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया। तो भाई आज स्ट्रीट बॉयज पार्ट टू निकालेंगे और सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको बताएंगे, जगह जगह जा जा के, और अपने बचपन लोग के दोस्त को भी दिखाएंगे। मिलते हैं गली के पास। ऐसा लग रहा है पुल शॉट पे डायरेक्ट हाथ में देके हेलीकॉप्टर, गाली गलौज कम करना है। और मंसूर 11 के कैप्टन, पहला संडे कैसा लग रहा है? बस एंड कर दो तुम, कर दो। और हवा महल कैसे बोलिंग किया तूने? तो मेरा व्लॉग देखते कि नहीं देखते तू? और तुम्हारा डेब्यू है मंसूरी 11 में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा करोगे आप, लेकिन अभी खेल कहाँ रहे तुम? नेक्स्ट मैच में। और मंसूरी 11 का सबसे खूंखार बैट्समैन अभी जो स्ट्राइक है सूर्य कुमार यादव, ये साला सस्ता सूर्य है। फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी एक भी शॉट उसने अच्छा क्लियर किया नहीं है। मैं तुमको बोला था ना भाई स्ट्रीट बॉयज में ये लोग सब नमूने लोग दिख ही जाएंगे। शॉट मारा भाई इसने भी, फायरिंग देख लो क्या अच्छा शॉट मारा, बाकी ब्लॉग में आ गया ये छक्का भी। और क्या बोलने का इसके बारे में, तुम्हारे प्लेयर के बारे में? मंसूरी 11 अभी थोड़ा प्रेशर में, पहला मैच जीतने के लिए, और मंसूरी 11 का मेन बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पे, उसका कैप्टन स्ट्राइक पे, कैप्टन से तो कोई उम्मीद नहीं मेरे को, और होगी भी नहीं। मैं क्या बोला भाई, क्या बोला मैं तुमको, और रन आउट कैप्टन रन आउट इनका। क्या बोल रहे अब्दुल भाई, मंसूर 11 के मेन बैट्समैन ऑपनिंग आते हो तुम यार, कुछ बताओ जरा अपनी जनता को ब्लॉग में। फ्यू मोमेंट्स लेटर, तुम आइटम से मिलो या कुछ भी, और यहाँ सूर्य कुमार वापस स्ट्राइक पे। हाँ एक और डॉट, कितना चाहिए अभी? दो पे नौ चाहिए, गेम एकदम ट्विस्ट। और छोटे दिल वाले लोग कृपया करके मैच ना देखे। दो पे आठ सूर्य कुमार अभी भी बैटिंग, ये वो वाला सूर्य नहीं है, वो वाला सूर्य रहता तो वर्ल्ड कप जीता है उसने, ये थोड़ा सस्ता सूर्य। और अगली बॉल शॉट, लेकिन दो काफी अच्छा शॉट है। अभी एक पे छे चाहिए, दे वाला बॉल दे, देने वाला बॉल दे दे, एक पे छे वो जो उसका जो ना वो अंपायर जा रहा है उसको समझाने के लिए, खुद तो भाई पहली बॉल पे कैच हुआ पुल वाली बॉल पे, वहां बैट्समैन को जा रहा है समझाने के लिए। एक पे छे बैट्समैन, भाई कालिया है ना उसके लिए स्नैप से बना रहे। अबे भाई मैं बचपन से स्मार्ट हूँ, वो खाली दिखता नहीं है तुम लोग को। एक पीछे मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी से मिला था जो मेरी टीम का वाइस कैप्टन है। क्या बोलते भाई अभी क्या हो गया अपनी टीम को, कितना खाए? 102। कौन बॉलर खाए अपना? मतलब सबने खाए मेरे को छोड़ के, सीमा तेरे को छोड़ के, अभी तू एक बना रहे तो मतलब 102 खाए। दो ओवर में 18 रन खाया हूँ मैं, 17 रन खाया। तो अभी बोलना क्या चाहोगे, 102 चेज होएगा अपनी टीम का, वो बताओ पहले चेज कर पाएंगे? मुश्किल है, मेन प्लेयर तो आउट हो गए, आप महान प्लेयर तो थे आप चले गए। अरे भाई हम थोड़ा हॉस्पिटल थे इसलिए नहीं आए खेलने के लिए। और बताओ मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट रन कितना हुआ अभी? 52। ये सब गलत है ना भाई, तुमको मारना चाहिए था भाई, तुम वाइस कैप्टन हो टीम के भाई। तो भाई देखो अपनी टीम अभी खेल रही है, 11 नंबर वाला बैट्समैन जो खेल रहा है वो है अपनी टीम का, और अभी कुछ ज्यादा चाहिए तो सेकंड मैदान है, YMC नहीं है ये झूला। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। क्या बोलते भाई, क्या चालू है अभी, क्या है, कितना छक्का मार रहे फिर आज? ये मेरा आइडल है भाई लोग, मैं इससे गेम सीखा हूँ, और माजिद बैट्समैन, अरे इसकी माँ का ये फिर हवे में दे दिया है। इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है ये।
अभी तो गली गया, अभी मैं स्ट्रीट बॉयज पार्ट टू बना रहा हूँ, अभी ये सब जानने वाला सब अंदर। मंसूर इलेवन पहला मैच हार चुकी है, क्या बोल लेंगे इसके बारे में? रेड लाइन से, हाँ रेड लाइन से, अभी क्या बोल लेंगे इसके बारे में, मंसूर इलेवन के बारे में? अरे रे रे रे, भाई संडे तो ये डे कौन सा है? यूपी और बिहार वाले लोग का डे है ये। रश रश देखो तुम, रश ये अपना एरिया कम है भाई, ये जुहू भी ज्यादा हो गया ये। तो खतरनाक है भाई लोग एकदम, देखो तो क्या बोलते भाई लोग, संडे का माहौल है देखो जरा। मियाँ भाई का एरिया, मियाँ भाई का एरिया है और इसमें देखो पब्लिक देखो कितनी है। हाँ इसलिए हाफ रहो के भी दौड़ गया था, लेकिन पब्लिक देखो भाई, ये आज जो संडे है आपने हाथ डाल के पब्लिक चल रही है। बिहारी डे आज, बिहारी और यूपी डे है, समझ सकते हो भाई एकदम। 500 कंजूस मरे तो साला एक ये पैदा हुआ है, एक चाय के अंदर दो बनाए, वो भी इतनी सी। तेरे जैसे बड़े जैसे, सॉरी मतलब तेरे जैसे से मैं प्यार बड़ो कर ली। इतना पैसा क्या कबर में लेके जाएगा? महल कबर के अंदर अमल तेरे अच्छे है, महल बनाने वाले, महल बनाने वाले अमल है तेरे, क्या है बता? फजर में कितनी रकात होती है बता ना, तुम ही तो बोला। मैं क्या बोलूँ तेरे को, क्या बोलेंगे भाई इससे लोग, कुछ भी नहीं बोल सकते। एक में दो चाय पी रहा कटिंग बोल के, स्ट्रीट बॉयज में कैसे कैसे लोग आ जाते क्या मालूम। अरे एक में दो करके पीने से मोहब्बत बढ़ती है, तेरे जैसे लोग से मोहब्बत बढ़ाऊँ मैं? अल्ले फिर मिलते हैं अभी। Few moments later. देखो मैं तुमको बोला ये साला कंजूस है, एक में दो पिलाया मेरे को, अब देखो इसकी कैसी लेगी पब्लिक, पब्लिक देखो कैसी लेगी। अब सारे लोग आ चुके हैं, अब बोल, अब बोल ना क्या बोलेगा। देखो एक एक में दो, मैं बोला भाई दो कटिंग मंगा तो मेरे को बोलता है कि नहीं एक में दो पी प्यार बढ़ता है, बोला तेरे जैसे से मैं प्यार बढ़ाऊ, अब बोल ना ये, बोलना 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 भाई, इतना बोलता है मेरा चार चार पांच पांच गाला है, एक गाला बेच दे, एक होटल खरीद ले। गाला नहीं है वो पीछे पीछे अंदरूनी सामान, 7 करोड़। इतना बड़ा साला कंजूस है ये कि इसने वहाँ पे चाय पिया और पैसा दिया नहीं, और इसका जो है आईफोन 16 मेरे पास जमा है। अब बोलना क्या बोलेगा, पैसा देगा चाय वाले को? बिना पैसा दिए भागे क्या? तू सही से बता क्या, तू कंजूस है? लेकिन पिछले ब्लॉग में तो तू बोला तेरा चार चार पांच पांच गाला है। तो ये देखिए जो मोबाइल है भाई, सेल है इसका, 250 रुपया दो और ये मोबाइल ले लो, 250 रुपया भाई, ज्यादा नहीं भाई, 250 ही देने का इसके, 250 में बेच डालू ना। इसमें इसकी फ्यूचर है, इसके अंदर दो कैमरा है देख लो, और एक आगे कैमरा एक पीछे कैमरा है, और ये सैटेलाइट से बात करता है ना, सैटेलाइट से बात करता है, तेरे से बात करता है ये, और इस पे इसके कस्टमर लोग का फोन आता है। जादू।